ब्रेन कहाँ होता है? आप इनकी दीवार पे देखिए, आप इनकी दीवार पे देखिए। सो गाइस, अब चलते हैं हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सबसे शांत लड़के, जो कि हमारे प्रिय भाई हैं अजय साहू। तो हम उनके रूम चलने वाले हैं। तो ये है उनका रूम नंबर 30। आप देख सकते हैं अजय, मैं कमीन। उन्हें हमको परमिशन दे दिया है आने का, तो चलते हैं घर में। तो हम उनके रूम पहुंच चुके हैं। तो ये है इनका रूम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा की तरह फिर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने लैपटॉप के सामने खोल के। तो देखते हैं ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल सुपरफिशियल मसल ऑफ नेक। तो अजय, आप कितने दिन खेलते हैं बताइए, बताइए आप कब खेलते हो? स्पोर्ट्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है वैसे, लेकिन खेल लेता हूँ। तो गाइस, जैसे क्या ये बोल रहे हैं कि नहीं स्पोर्ट्स पसंद नहीं है या खेलते होते नहीं है? तो हाँ, और एक और बात, आप इनकी दीवार पे देखिए, आप इनकी दीवार पे देखिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात कॉलेज के छुपे रिश्तों में जो कि पता नहीं क्या करते हैं दुनिया के लिए। अब पढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, या क्या करते हैं, और यहाँ पे बहुत ब्लश कर रहे हैं, देख सकते हैं ये हंसते रहते हैं दिन भर, क्योंकि इनको हंसना बहुत पसंद है गाइस। तो अभी चलते हैं इनके रूम से, क्योंकि पढ़ना है, टाइम वेस्ट होगा ना, चलते हैं वापिस, चलते हैं गाइस। सो गाइस, आइए एक सरप्राइज विजिट करते हैं हमारे क्लास के डाउट पूछने वाले बंदे, जिसका नाम साथ की वाली। तो अभी उसको पता नहीं कि हम उसके रूम जा रहे हैं, हम उसके रूम चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं साधु तिवारी के रूम। आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके कानों में देखिए ईयरबड चिपके हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वन जरूर कुछ काम कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो ये भाई क्या है, टप्पू सिन्हा की सफारी सफलता, इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या बात है भाई, पढ़ना लिखना नहीं है इनका, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो अब देखते हैं किसके रूम में चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो अभी हम विजिट करने वाले हैं हमारे नेपाली भैया जिनका नाम है अमित चंद यादव। चलते हैं इनके रूम में, देखते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये है रूम नंबर 18 जो कि हमारे अमित भाई का है। ओपन द गेट, चुप। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे अमित चंद यादव जो उर्फ नेपाली के रूम में। तो देखिए यहाँ पे हमारे गाइस को कहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को पढ़ना नहीं है गाइस, एक बात किसी को पढ़ना नहीं है, कुछ दिन में अपने टर्मिनल आने वाले हैं, लेकिन सब अपने में बिजी हैं, पढ़ना ही नहीं एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ पे इस तरह की मस्ती मजाक चलते रहेंगे, हम चलते हैं किसी और रूम में। अब चलते हैं हमारे क्लास के मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब दुनिया के आप जितने खेल चाहो खिला लो उनसे, उनका नाम है विलियम कुर्रे। तो हम चलते हैं रूम, तो उनका रूम नंबर है 33। तो हम चलते हैं रूम में, विलियम। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम में कभी गेट नहीं खोलते हैं, हमें लंबा करना पड़ता है अपना, हाँ पहली बार जबकि इन्होंने खोल लिया। तो चलते हैं भाई साहब, तो इतने गुस्से में देख रहे हैं मानो हम इनको मारने आए हैं, अब क्या कर रहे हैं गाइस। तो आइए देखते हैं इनके रूम में पहुंचते हैं हम। तो रूम में जाते हैं, देख सकते हो पूरा कबाड़ भरा हुआ है। अब यहाँ देखिए, जी देखिए, ये देखिए, अरे अंदर आइए ना, अंदर आइए देखते हैं मजा आएगा। ये देखिए नीचे इतना गंदा रूम, और वो देखिए, हाँ। और इसके अलावा भाई साहब को मैथ से बहुत पसंद है, तो आप इनका गेट देख सकते हो, इनका गेट देखिए पूरे मैथ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और ये है इनके सारी चीजें जिसको जो चाहिए आप ले आ सकते हो। और भाई साहब ने, हमने देख लिया, भाई साहब ने आपको कुछ मंगाया है जोमेटो से, जो कि देखिए ये रहा इनके टेबल पे। तो गाइस, तो भाई आपने क्या मंगाया है भाई? बर्गर है, मुझे भी चाहिए बर्गर। अकेले खाओगे? हमको ही खाओगे ना। देखिए गाइस,
गाइस इसने बोला है कि ये हमें देंगे, अब देखते हैं देते हैं कि नहीं। तो चलते हैं इनके रूम से, फिर फिलहाल कुछ करने को है नहीं बेचारे, खाएंगे तो हमको हम उनको डिस्टर्ब खाए करें। चलते हैं इनके रूम से। हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर में। तो आपको पता है हमारे इस कॉलेज में एक और ब्लॉग है फर्स्ट ईयर में, जिसका नाम रुद्र बैकग्राउंड। तो हम चलते हैं उसके रूम में, पूछते हैं उससे कि अभी वो क्या कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि हम उनके रूम जाने वाले हैं, तो ये पूरी तरीके से एक सरप्राइज होगा उनके लिए। हम पहुंच गए उसके रूम। तो यहाँ पे इनकी तीन टोली बैठी हुई है, जो कि है हमारे समीर, रुद्र और ये हमारे फिंगेश्वर तिसुनिया। अबे साले तभी। तो ये है इनका रूम। तो आइए देखते हैं इनकी बालकनी कैसा है। तो ये यहाँ के बालकनी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रुद्र प्रताप पैगरा अपने चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो दिखाइए बताइए। हेलो गाइस, मेरा भी चैनल है एमबीबीएस वाले ग्राम से, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसको बाकी डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, देवेंद्र देगा। जी 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 गाइस, मैं दे दूंगा आपको। तो चलते हैं यहाँ से वापस। तो गाइस ये था सरप्राइज दीजिए। तो ये व्लॉग हम यहीं करते हैं, मिलते हैं यहाँ से न्यू व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।